Okay, so do you guys sometimes have these silly dreams which don't even make sense? Ke dreams jo hain wo aapke subconscious thoughts ki ek manifestation hoti hai. You are expecting ki aaj chalo aaj sara din jis masle ke bare mein main soch raha tha uska koi solution mere dream mein aayega. But then my dreams are so silly. I see stuff from Avengers, like kal maine khwab dekha ke matlab I'm riding the Spider-Man and like not that riding, I mean I'm literally riding the Spider-Man. The Spider-Man is flying. I'm literally standing on it. Aquaman is the villain, but Aquaman is the guy who has the spider powers. And my Spider-Man, which I'm using as floor mat, the flying mat, actually has the characteristics of the Aquaman. And then there is Batman flying like Superman. And then there is Superman who is riding the bike like Batman. और वंडर वुमन का जो छांटा है वो बिजली वाला वो मेरे हाथ में है और मैं स्पाइडर मैन को ऐसे चला रहा हूँ. और अच्छा ये सारे सुपर हीरोज़ के साथ हम पता नहीं कहीं एमएम आलम पे ना ब्राउनी खाने जा रहे हैं सारे. कभी कभी तो मुझे एम्बेरसमेंट भी होती है कि हम कैसे ख्वाब देखते हैं, हमारे बुजुर्ग कैसे ख्वाब देखते थे. माँ इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा, ठीक है, हमारे बुजुर्ग कोई ख्वाब देखते हैं तो उनकी कोई ताबीर होती है, बड़ी डीप सी कोई डिस्कशन होती है उसके बाद. मेरे अजीब अजीब बचपनों वाले ख्वाब, माई फ्रेंड द अदर डे जिसका एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, ही इज लिटरली 4 मंथ्स, पिछले महीने मैं उस दोस्त से मिला हूँ और उस दोस्त का काका कल परसों रात को मेरे ख्वाब में आके ही इज टॉकिंग टू मी एंड इज सेइंग यार अहमद, शुड आई डेट द गर्ल्स ऑफ माई फ्यूचर स्कूल. And I'm like, sure. बड़े funny funny से ख्वाब आते हैं, silly. Like I know when I'm watching them, I know they are never gonna be true, but they're still in my mind, right? अभी मैंने recently एक बड़ा funny सा ख्वाब देखा कि पाकिस्तान में actual true democracy आ गई है. मतलब इस पर तो मैं बहुत हंसा. मतलब फौज जो है वो सिर्फ सरहदों की हिफाजत कर रही है और सारे हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिविलियंस हैं और मेरिट पे भर्तियां हो रही हैं, पुलिस वाले सही टाइम पे पहुंच जाते हैं क्राइम सीन पे. टेक्नोलॉजी को एज एन एजुकेशनल टूल प्रमोट किया जाता है पाकिस्तान में. मतलब मैंने ये देखा ख्वाब में, मैं इतना हंसा पागल. जब मैं उठा तो मैंने कहा शुक्र है ख्वाब था. फिर मैंने ख्वाब देखा कि मैं ना स्कूल में हूँ, मुझे अपने टीचर्स ना पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ा क्या रहे हैं, वो चीज़ें जो कि एक्चुअली मैटर करती हैं ज़िंदगी में ना, वो पढ़ाने लग गए मुझे. मतलब बिजनेस माइंडसेट कैसे बनाते हैं, ठीक है, बड़े ओके टैक्सेस कैसे देते हैं, ठीक है. मतलब मैंने कहा यार इतना क्रेजी ख्वाब कैसे आ सकता है मुझे. मतलब स्कूल में मेरा वो पढ़ाया जा रहा है जो कि वाकई मेरी ज़िंदगी में आगे काम आएगा. पिथागोरस थ्योरम नहीं था उसमें, मिस्टर चिप्स भी नहीं था उसमें, ठीक है. उसके अंदर ना बड़ी बड़ी एक्चुअल रियल लाइफ यूटिलिटी वाली चीज़ें पढ़ा रहे थे मुझे ना. फिर कभी कभी ना भयानक से ख्वाब भी आते हैं कि आप एक बड़ी सी बिल्डिंग पे बिल्कुल एज पे खड़े हो बिल्डिंग के रूफ़ के ऊपर और आप ऐसे गिरे और आप एकदम जब गिर रहे हो रास्ते में तो एकदम से आपकी आँख खुल जाती है, आप डरे होते हो. जो मैंने ख्वाब देखा था ना उसमें मैं था देसी मर्द की सोच, ठीक है, मैं ना बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ, बहुत लंबी कैलम बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग जितनी लंबी बिल्डिंग थी, मैं देसी मर्द की सोच हूँ और मैं ऐसे गिरा हूँ बिल्डिंग से, मैं गिरता जा रहा हूँ, ठीक है, मैं उठ भी नहीं रहा, मतलब मैं गिरता ही जा रहा हूँ, मैं इतनी बुलंदी से नीचे गिरता जा रहा हूँ, ज़मीन क्रॉस कर ली है मैंने, मैं इतना गिरा हूँ कि मैं अर्थ की दूसरी तरफ से निकल आया हूँ और फिर मैं वापस आया हूँ, फिर दोबारा गिरा हूँ, मैं गिर ही जा रहा हूँ. थैनोस आया हुआ है मेरे ख्वाब में और जनाब थैनोस के साथ मैं लूडो खेल रहा हूँ. तब वो ऐसे चुटकी मारता है थैनोस तो मेरी लूडो की सारी गीटियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं. बिल्कुल मैं जीतने वाला होता हूँ ना, जब मुझे एक दाना चाहिए होता है डाइस पे तो थैनोस ही जस्ट डस दिस एंड आई एम गॉन. एंड व्हेन आई लूज द लूडो गेम तो फिर थैनोस जो है वो ऐसे म्यूजिक बजाता है चुटकियाँ बजा बजा के और मैं साथ गाना गाता हूँ. धूप में छाँव में घर में शहर में और दफ्तर में दूध का ताज़ा मज़ा है, खस्ता और मीठा है, सबसे आगे सबसे ऊपर पीक फ्रेंड्स ऊपर सब्सक्राइब टू माई चैनल ऊपर. वॉल्वरिन को यार मैं कहता हूँ अपना हाथ दिखाई, वो मुझे अपना हाथ दिखाता तो मैं उसके हाथ से सेब काटता हूँ, ठीक है, वो सेब हम फिर फ्रूट चाट बनाते हैं, सारे मिल के खाते हैं. एक्समैन, मैंने देखा कि ना कोरोना वायरस आया है मेरे घर और उसने मुझे पिक किया और हम रोल होते होते जोहर टाउन गए हैं, जोहर टाउन के किसी
बड़े से रेस्टोरेंट में बैठ के हमने गंदी सी चाय पी है, और कोरोना वायरस ने कहा यार इस चाय को पीने के बाद मेरा दिल कर रहा मैं मर जाऊँ, और फिर वो मर जाता है। आप लोग भी बताएं ना कि आपके कुछ अगर सिली ड्रीम्स हैं तो वो अभी आप शेयर करें कमेंट्स में, बट नो वेट ड्रीम्स, ओके प्लीज़, साफ बिल्कुल।